हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक न्यू प्लॉट का साइज लेकर आए हैं जो 18x30 फीट का है। तो इसको डिजाइन करने से पहले हम एक जरूरी बात डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ऑफर है कि अगर वो 50 गज का प्लॉट डिजाइन करवाते हैं, मुझसे प्लान करवाते हैं, तो मैं मिनिमम उनसे जो है मिनिमम क्या मैक्सिमम ही है 500 चार्ज करूंगा, और 1000 गज का जो है उसके लिए मैं 1000 चार्ज करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए जो है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जिस भी हमारे व्यूवर्स को लगे कि हमें प्लॉट डिजाइन करवाना है तो वहां से आप मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज जो हम ये प्लॉट डिजाइन कर रहे हैं ना, इसका अगर प्लान आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, प्लॉट डिजाइन से रिलेटेड जो है वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन फ्यूचर में प्लानिंग तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन हम जो है आगे जो है डिजाइनिंग पार्ट भी दिखाएंगे, जैसे बेडरूम डिजाइन, किचन डिजाइन, एलिवेशन डिजाइन, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आज क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो चल रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लॉट का साइज है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट फिर भी 60 स्क्वायर यार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपका जो प्लॉट का जो साइज है 18 फीट जो है विथ है इसकी, और लेंथ जो है 30 फीट है, और फ्रंट फेसिंग प्लॉट है, और 20 फीट वाइड रोड है यहां पे फ्रंट में। जो क्लाइंट है उसने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट दिया है, वो रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है आपका, 2 बेडरूम चाहिए, 1 ड्राइंग रूम चाहिए, प्लस 1 किचन चाहिए, और सेपरेट टॉयलेट नहीं चाहिए, सबके लिए एक कॉमन टॉयलेट और बाथरूम चाहिए। तो ये थी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, और उसको हम पूरा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आपको प्लॉट डिजाइन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे प्लॉट के वीडियो डाल चुके हैं, प्लस हम आने वाले इन फ्यूचर में हम बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, अपार्टमेंट्स भी डालेंगे, प्लस बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे वॉल को आपकी थिकनेस तो आपको पता ही होगी, ये जो है बैक साइड बाय साइड प्लस बैक की जो होती है 4.5 इंच की होती है, क्योंकि साइड से सपोर्टिंग वॉल होती है। फ्रंट में आपको 9 इंच की दीवार चाहिए, वो इसलिए कि कल को अगर हम वॉल के अंदर ही हम जो रेन वाटर पाइप हम डाल देते हैं तो वो दिखती नहीं है, ये बेनिफिट होता है। प्लस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आगे से, इसलिए हम चलते हैं अब थोड़ा सा इसका लेआउट डिफाइन करते हैं। लेआउट हमारा जो है कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। हमने यहां से एंट्री की, ये एक्चुअली क्या है कि ये एक बिल्डर फ्लोर है, तो ये जो है टिपिकल सारे फ्लोर एक जैसे ही होंगे, बस बालकनी पे थोड़ा सा जैसे फर्स्ट फ्लोर पे होता है उसको बालकनी मिल जाता है, लेकिन जो ग्राउंड पे होता है उसको नहीं मिलता। तो हमने जो नॉर्मली जो फ्लोर टू सीलिंग हाइट ली हुई है वो 10 फुट लिया हुआ है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड में एक टॉयलेट प्लस बाथरूम के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, प्लस आपको जो ये साथ में दिख रहे हैं ये छोटे, ज्यादा लार्ज साइज तो नहीं है बट
ठीक ठीक साइज है बेडरूम का, जिसमें सारी फैसिलिटी आ सकती है, जैसे एक बेड हो गया, एक अलमारी हो गई, एलसीडी हो गया। इसमें भी वही साइज है, इसमें जैसे बेड साइज अगर हम नॉर्मल साइज रखते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे 6 फुट जो है विड्थ हो जाएगी और लेंथ जो हो जाएगी 6 फुट 3 इंच या फिर 6 फुट 6 इंच। और इसमें जो है हम 5x6 वाला जो बेड है ना 6.5 का, वो रख सकते हैं यहाँ पे, इसमें 6 का नहीं चलेगा, इसमें स्मॉल साइज चलेगा, उससे छोटा 1 फुट छोटा कर लें या फिर 2 फुट छोटा कर लें, 4 फुट का कर दें, मतलब कस्टमाइज साइज आ सकता है यहाँ पे। ये आपकी किचन है, किचन है प्लस ये आपकी जो है एंट्रेंस एक लॉबी बन रही है यहाँ पे, काफी अच्छा स्पेस है, अराउंड 7x7 के होगा। उसके बाद ये आपका एक ड्राइंग रूम निकल के आता है, एक रूम के साइज का, आप चाहे तो इसको रूम बना सकते हैं या फिर इसको रूम बना ले बड़े बड़े को। उसके बाद इसको जो है सिटिंग स्पेस बना लें, अगर आपके पास ज्यादा तो जैसे गेस्ट अगर नहीं चाहिए सिटिंग तो, अदरवाइज आप जो है तीनों को ही बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं। ये आपका किचन है, किचन मैंने आपको शायद बता दिया, और ये जैसे मैंने बताया कि सारे सब जगह पे जो है 4.5 इंच की वॉल हमने कास्ट की है, और प्लस बीम और कॉलम्स तो एज पर स्ट्रक्चर आपको डालना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जो है 8x8 का भी डल जाता है, 9x9 का भी डल जाता है, छोटे से प्लॉट में कोई मैटर नहीं करता, फिर भी हमने जो है कॉलम प्लेस किया है, वॉल टू वॉल हमने दे दिया है यहाँ पे। मैं इसको कुछ थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, ये आपका हो गया बेडरूम 1, बेडरूम 2, ड्राइंग रूम, ये आपकी एंट्रेंस लॉबी है, और ये आपका एक किचन है, यहाँ पे सिंक हो गया, सिंक आप जहाँ मर्जी रख सकते हैं, और ये आपका कुकटॉप हो गया, ये लॉबी जैसे मैंने बताया कि ये बाथ एरिया है, ये 4x4 के अराउंड होगा, और ये आपका WC एरिया है इंडियन, चाहे तो आप फ्लश टैंक जो है वॉल पे हैंग करवा सकते हैं इसमें, चाहे तो रख सकते हैं चाहे तो नहीं भी। आगे चलते हैं हम इसके जो है कुछ फर्नीचर लेआउट जो है सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरीके का लगता है, उसके बाद मैं सारी साइजेस बताऊंगा फर्नीचर के। दोस्तों जो फर्नीचर लेआउट है कुछ इस तरीके से बन के हमारा रेडी है, तो देखते हैं थोड़ा सा पहले ड्राइंग रूम की बात करते हैं। पहले ड्राइंग रूम में मैंने एक लार्ज साइज का जो है एक सोफा डाल दिया यहाँ पे एल शेप का, जिसे वॉल टू वॉल, इधर से भी वॉल टू वॉल है, तो आप ऐसा ना करके जैसे कि यहाँ पे तो आपका 2 सीटर ही आएगा, अगर कोशिश करेगा 2 सीटर डालने की तो 2 सीटर आएगा और इधर इधर सिंगल सीटर आएंगे, इसलिए मैंने ये सीटिंग ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और 2 सीटर में क्या है कि यहाँ पे एक 1 सीटर आएगा, यहाँ पे भी आपका देखा जाए तो 1 सीटर ही आएगा और यहाँ पे 2 सीटर आएगा, तो ज्यादा सीटिंग नहीं बनती इसमें, जो है एक दो बंदों को आप ज्यादा बिठा सकते हो। और किचन की बात करें तो किचन में जो है आपका कुकटॉप ये हो गया, आपका सिंक यहाँ पे हो गया, सिंक आप जहां मर्जी वहां रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रिज जो है मैं बाहर लेकर गया हूं क्योंकि किचन ज्यादा लार्ज साइज का तो नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम बेड, अब बेड के साइजेस थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे ये मैंने लेंथ जो मैंने बताया था कि 6 फुट 3 इंच का लिया है आपका बेड का साइज लेंथ, जिसमें से 1.5 इंच का जो है फ्रंट और बैक हो जाता है। ज्यादा चौड़े वाला अगर हम हेडबोर्ड लेते हैं तो फिर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं किया। जैसे कि कुछ स्टोरेज वाले जो होते हैं हेडबोर्ड, जो कुछ स्टोरेज वाले हेडबोर्ड होते हैं ना, वो
मैंने यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 इंच ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा से ज्यादा ये मतलब 6 फुट 6 इंच तक जाएगा। ओके, ये 6 फुट 3 इंच का है और ये जो है आपका 5 फुट 9 इंच का है। इसमें क्या है कि आप यहाँ पे छोटा सा साइड टेबल भी ले सकते हो, मतलब जरूरी है कि आप जो है जो स्टैंडर्ड साइज आता है वही लो 6 फुट 9 इंच का। बट क्या है कि थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे साइड टेबल दे दिया। आप चाहो तो आप ले सकते हो साइड टेबल हटा के, फिर भी मतलब जगह बचेगी यहाँ पे साइड टेबल के लिए। देखते हैं जगह कितनी है। साइड टेबल के लिए जो है आपका 15 इंच का स्पेस है, तो आप चाहो तो 15 3 इंच ले सकते हो, तो फिर भी आपका 1 फुट स्पेस बचता है। अगर 1 फुट में आप साइड टेबल तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। और ये क्या है कि अलमारी को भी आप बढ़ा सकते हो, अगर साइड टेबल ना दो तो यहाँ पे आप अलमारी बढ़ा सकते हो। बट साइड टेबल जरूरी होता है क्योंकि कुछ मोबाइल हो गया या फिर रात को पानी पीने का ग्लास चाहे मग रखते हैं यहाँ पे जग। प्लस यहाँ पे मैंने एक ड्रेस दे दिया ताकि कुछ छूट ना जाए रूम के अंदर, आप चाहें तो रख सकते हैं अदरवाइज नहीं। और एक एलसीडी इस वॉल पे होगा। चलते हैं दूसरे बेडरूम की बात करते हैं। यहाँ पे जो साइज है आपका बेड का साइज है आपका 6 फुट 3 इंच है और ये जो है आपका 5 फुट 2 इंच का है। जैसे अगर 1 1 इंच दोनों साइड से निकल जाए तो आपका कंप्लीट जो बेड है वो 5 फुट का बचेगा, गद्दा गद्दा साइज जो है। यहाँ पे आपका जो है एक अलमारी है छोटी सी 3 फुट की, और इसकी अलमारी के बारे में मैंने बात नहीं की। यहाँ पे भी अलमारी जो है ये भी आपका 3 फुट का ही है, 2 फुट का जो है विड्थ है। और यहाँ पे ड्रेसिंग दे दिया मैंने। ड्रेसिंग को आप ये फेसिंग कर सकते हैं या फिर इस फेसिंग में लगा सकते हैं, यहाँ पे आप खड़े हो जाए और यहाँ पे आप देख सकें, जैसे कि ये वाली फेसिंग ऐसे। तो आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। इसमें एलसीडी मैंने नहीं दिया यहाँ पे, मैंने एक छोटा सा, आप चाहे तो इसको एज ए स्टडी यूज कर सकते हैं, एज ए साइड टेबल यूज कर सकते हैं। मतलब साइड टेबल तो साइड टेबल ही होता है क्योंकि वो लो हाइट होता है, और स्टडी अगर देना होगा तो आपको हाई रखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टडी रख सकते हैं। और ये हमारा जो है बाथरूम है जिसमें एक छोटा सा वॉश बेसिन है प्लस नहाने का सिस्टम होगा। और ये आपका इंडियन टॉयलेट है। मैं स्टेयरकेस की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है 10 फिट है, तो मैं जो है इसको 15 16 स्टेप में ऊपर चढ़ा दिया मैंने यहाँ से। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज दिखाना आपको भूल गया, मैं इसके डायमेंशंस आपको दिखा देता हूँ। डायमेंशंस आपके ये हैं, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने जो है ठीक ठीक साइज लिया हुआ है। जैसे 9 फिट जो है आपका ये हो गया, 10 फिट ये लेंथ होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो आप ड्राइंग के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।